जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, पूजा जाप के समय अगर आपको ये पांच अनुभव होते हैं तो माता काली ने आपको चुन लिया है, आप माता काली के भगत भी बनने वाले हो बहुत जल्द। जी हाँ, जब आप भगत बनने वाले होते हो ना, जब आपको माँ काली चुन लेती है तो आपके साथ ये पांच चीज़ें खुद होने लगती हैं। और ये चीज़ें किसी वजह से नहीं होती हैं, ये होती हैं कुदरती। कुदरती क्यों होती है? क्योंकि आप जल्द से जल्द भगत बनने वाले हो, आपको सारी शक्तियाँ मिल चुकी हैं। जिस देवी की पूजा आपने करी, जिस देवता की करी या जिस भगवान की करी, उसकी सभी शक्तियाँ आपको मिल चुकी है, तभी आपको ये अनुभव होते हैं। और पहली बार देखिए, अब जिनको ये अनुभव होते होंगे वो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे ज़रूर, लेकिन जिनको नहीं होते हैं तो उन लोगों को आगे आने वाले समय में भी हो सकते हैं, तब भी वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये अनुभव हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। जब वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये अनुभव क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। तो मैं आज आपको पाँच अनुभव बताने वाली हूँ जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके देवी ने और आपके देवता ने, मतलब कहने का जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, उसने आपको चुना है भगत बनने के लिए या नहीं चुना। अगर चुन लिया तो आपको ये अनुभव होंगे, अगर नहीं चुना तो ये अनुभव अभी आपको नहीं होने वाले। और जिनको ये अनुभव होते हैं अभी, तो वो जल्द से जल्द भगत बनने वाले हैं और लोगों का जनकल्याण भी करने वाले हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, यदि आप पूजा जाप कुछ भी दोनों में से करते हैं, अपने घर में रोज़ाना करते हैं या हफ्ते में करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो उस समय आप लोगों को ना पांच अनुभव होते हैं, ठीक है। और ये पांच अनुभव जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसको अच्छा ज्ञान ध्यान होगा, जिसका गुरु होगा, जिसने अपने गुरु से ज्ञान ले रखा होगा, वो व्यक्ति इन अनुभव को समझ जाएगा आसानी से कि ये अनुभव मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। पहला मैं आपको अनुभव बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुने और बारीकी से समझे। और काली माता के सभी भक्तों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ताकि सभी भक्तों को पता चल पाए कि माँ काली जिसको भगत बनने के लिए चुनती है तो उस व्यक्ति के साथ यही चीज़ें कुदरती होने लगती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी काली माँ के भक्तों तक इस वीडियो को पहुँचा देना, क्योंकि भक्तों तक पहुँचाओगे तो सभी को इस चीज़ की जानकारी आसानी से मिल पाएगी। पहला अनुभव आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। पहला अनुभव है, जब आप पूजा या जाप करते हो तो उस समय क्या होता है, आपके सर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, जैसे सर में लुकलुकपन सी महसूस होती है, ठीक है। दर्द नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है दर्द भी होगा, कभी कभी आपको लुकलुक महसूस होएगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है मंत्र जाप करते समय या पूजा करते समय, तो समझ लिया अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको माता काली ने चुन लिया है और आप माता के भगत बनने वाले हो, तभी आपको ये अनुभव माता काली दे रही हैं। दूसरा अनुभव, जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप करते हो उस समय क्या होता है कि आपको तेज़ी तेज़ी से और ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है, ठीक है। आप तेज़ी तेज़ी से खांसते हो और ऐसे लगता है जैसे आपको उल्टी आएगी, जब आप खांसते हो ना तो ऐसे लगेगा आपको कि उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी आती नहीं है, सिर्फ खांसी आती है। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो भक्तों अब भी समझ लो आपके पास बहुत समय है कि आपको इस चीज़ की जानकारी मिल रही है, लेकिन काफ़ी सारे भक्त तो यही सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो जिनके साथ ऐसा होता है उस व्यक्ति को माता काली ने चुन रखा है और वो माँ काली का जल्द से जल्द भगत भी बनने वाला है बहुत ही जल्द, तभी माता ने उसको ये अनुभव देना शुरू किए हैं। अब मैं आपको तीसरा अनुभव बता रही हूँ, इसी भी ध्यान से सुन लो। तीसरा अनुभव होता है, जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो या जाप कर रहे हो या हवन अपने घर में कर रहे हो, उस समय क्या होगा कि जब आप जाप से उठोगे या पूजा से उठोगे तो जो आपके दोनों पैर हैं, दोनों पैरों में आप लोगों के ऐसे होगा जैसे गुलगुली से आपको महसूस होने लगेगी, या ऐसे लगेगा जैसे पैरों में आपके चींटी चल रही है। जब आप ये सब चीज़ें पूजा पाठ हवन करके उठोगे, हटोगे मतलब करके, तो आपके पैरों में ऐसे लगेगा जैसे चींटियाँ घूम रही हो, खुजली होएगी तेज़, ठीक है, जलन सी मचेगी,
और ये चीज़ अगर आपके साथ होगी कभी भी जीवन में तो समझ लीजिए कि काली माता ने आपको चुन लिया है और आप माता काली के भगत बनने वाले हो, वो भी जन कल्याण के लिए। अब मैं आपको तीसरा अनुभव बता रही हूँ, इसे भी ध्यान से सुनो। तीसरा अनुभव ये होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं माता काली की, अपने देवी देवता की, तो उस समय क्या होता है, पूजा पाठ करते करते जब आप मत्था टेकते हो उनके मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जब मत्था टेकते हो, तो जैसे ही मत्था टेक के अपनी मनोकामनाएं मांग के वहाँ से हटते हो, मतलब अपना सर हटाते हो, तो एकदम से आपको ऐसे लगता है जैसे गोल गोल कुछ चीज़ घूम रही है, या दर्द देखने को मिलेगा सर में, या लुक लुक देखने को मिलेगी। अगर भक्तों आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इन चीज़ों पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको क्यों हो रही हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब तो आप समझ सकते हैं कि ये पांच चीज़ें, पांच अनुभव उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिनको माता काली खुद चुनती है, वो भी भगत बनाने के लिए। अब मैं आपको लास्ट जो अनुभव बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुन लो। लास्ट अनुभव ये होता है, जैसे मान लीजिए आप बैठ के माता काली का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, आपको ध्यान करते करते काफ़ी समय हो गया है और आंखें आपकी बंद पड़ी है, फिर आपने काफ़ी समय बाद एकदम से आंखें खोली है, तो आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे कि गोल गोल दुनिया घूम रही है और अंधेरा अंधेरा सा आपको आँखों में देखने को मिलेगा अपनी। इस तरीके से ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये कोई वैसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ बात है कि आपको माता काली ने चुन लिया है। देखिए यहाँ तो मैं माँ काली के लिए बता रही हूँ, जितने भी अन्य देवी देवता के भक्त हैं उनके साथ भी यही चीज़ें होती है, जब उनको भगत बनने के लिए चुना जाता है, उनके देवी देवता ही चुनते हैं, वो भी आपस में बात करके। जैसे देवी देवताओं के साथ कई शक्ति होती है, जब आपस में बात करते हैं तब वो इस चीज़ के बारे में जान के अच्छी तरीके से तब आपको भगत बनाने के लिए चुना जाता है। तो अगर आपको माता काली ने चुना है तो यही अनुभव आपको होने लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।